राम राम भाई सारे ने। इस वक्त आप हरिद्वार में हरिद्वार की पुड़ियों तय आगन निकल के खड़े हैं कच्ची गंगा के ऊपर। ये देखो गंगा जी का भाव इतना तेज है, बहुत ज़्यादा। गंगा जी देखो कितनी स्पीड पे आन लग रही है, सात धारा बताओ हैं कि इस जगह आके मिल के, और आगे डैम है फिर आगे चल रहे हैं वो साथीगण हैं कुछ कच्ची गंगा के किनारे पे जो फिलहाल नहाने लग रहे हैं। लेकिन हम तो यह कहेंगे भाई सावधानी बरते क्योंकि यहाँ खतरा ज़्यादा है। प्रशासन द्वारा या ना तो कोई तेरा को है क्योंकि कच्ची गंगा है आगे लिकड़ के हैं, तो प्रशासन द्वारा कोई सहायता नहीं है। बड़ा देख के इसमें भी नहाने खतर खूब लोग आवे हैं हरिद्वार आगे लिकड़ के, बाकी अड़े नहाने का नारा मज़ा है। सह तो बहुत तेज लेकिन फिर भी हम तो यह कहेंगे इसने देख के अगर कोई नहाना आवे तो बड़ा हाथ सावधानी रहो भाई, क्योंकि भाव बहुत तेज है गंगा मैया का। फिलहाल बरसात का पानी चल रहा है, सात जो अलग अलग धाराएं हैं वो इस जगह आके मिले हैं चूड़दत है, और इसने कच्ची गंगा बोलना है द्वार तक आगन लिकड़ के। इस तरह से आप देख सकते हैं सप्तऋषि पर जहां गंगा की सात धाराएं एक साथ इकट्ठा होकर हरिद्वार की तरफ प्रवेश करती हैं। देख सकते हैं गंगा का बहाव, जबरदस्त बहाव, गंगा नदी का कल कल की आवाज़ करते हुए गंगा बह रही है। देख सकते हैं पत्थरों को किस तरह गोल कर दिया है, जो पहाड़ के पत्थर गिर कर आते हैं। और अब हम हरिद्वार का दृश्य दिखाएंगे जो गंगा हरिद्वार में किस तरह हो जाती है। देखिए ये है हरिद्वार का दृश्य, गंगा नदी हरिद्वार हर की पौड़ी का ये दृश्य जो आप देख पा रहे हैं। बाकी महाशिवरात्रि के बाद का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। ये देखिए गंगा का विशाल आप देख पा रहे हैं, कल कल गंगा देख सकते हैं। गढ़ मुक्तेश्वर धाम पर ये जो देख पा रहे हैं जो नाव हैं खड़ी हैं तैयार, कोई भी अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ पर पहुँचता है तो इन नाव के अंदर बैठकर जो स्टीमर भी बोली जाती हैं गंगा नदी के अंदर की तरफ प्रवेश करके अस्थि विसर्जन करते हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये देखिए गंगा घाट का ये दृश्य है जो इसमें आप देख पा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से दूर दराज से काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे। ये एक छोटा सा कोठरा दिखाई दे रहा है जिसको कोठरा बोलेंगे हम, वो गंगा घाट पर पहले का है, प्राचीन है। और ये गंगा के घाट हैं जो आप देख पा रहे हैं गढ़ मुक्तेश्वर धाम पर। यहाँ काफ़ी मान्यता है गढ़ मुक्तेश्वर धाम को लेकर, देश के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं अपने पूर्वजों की अस्थियाँ विसर्जन के लिए। गढ़ मुक्तेश्वर धाम का ये दृश्य जो इसमें आप देख पा रहे हैं, स्टीमर भी यहाँ पर चलती दिखाई दे रही हैं। ये देखिए लोग मस्ती के मूड में यहाँ पर स्नान करते हुए देखे जा सकते हैं। गढ़ मुक्तेश्वर धाम गढ़ ये यूपी में पड़ता है। देखिए किस तरह से नौजवान युवा साथी यहाँ पर आए हुए हैं और गढ़ गंगा में स्नान कर रहे हैं। गंगा का इतिहास बहुत ही पुराना है, देख सकते हैं गढ़ मुक्तेश्वर धाम में सभी मस्ती के मूड में आपको नजर आएंगे। गंगा पवित्र नदी मानी जाती है, सबसे पवित्र नदी है जो इसमें आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और देश के कोने कोने से आए भक्तजन यहाँ पर घाटों पर स्नान कर रहे हैं। डीएन हरियाणा की टीम आज पहुंची थी गढ़ मुक्तेश्वर धाम, हमने आपको यात्रा कराई गंगा की, सप्तऋषि देश लेकर हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार से गढ़ मुक्तेश्वर धाम का ये दृश्य हमने आपको दिखाया। देख सकते हैं गढ़ मुक्तेश्वर धाम के ये पवित्र घाट जहां पर लोग स्नान करते हैं, दूर दराज से भक्तजन पहुँचते हैं। जुड़े रहिए इसी तरह की जानकारी के लिए आप डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए दिनेश रोहिला की खास रिपोर्ट। देख लो भाई जो हमारा दादा राम रूप है।